131, जो बाइडेन 131, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन 98, डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन की स्टेट्स अभी बाकी हैं। और हमारे साथ तारिक फतेह इस वक्त जुड़ चुके हैं टोरंटो से, लेखक मोहन वांगचू है हमारे साथ, कोऑर्डिनेटर जीकेपीटी ह्यूस्टन से, हमारे साथ रविंद्र सचदेव हैं, आलोक मेहता हमारे को नजर आ रहे हैं इस वक्त, और साथ ही साथ सबसे पहले जो है मैं आपके पास आना चाहूंगा तारिक फतेह। फोन पर मैं बात कर रहा था आपसे, आपने कहा था कि नहीं मुश्किल है लाइव पर आना, गेम इज ओवर, लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी है ना सर। टेक्सास, पेंसिल्वेनिया लीड कर रहे हैं डेमोक्रेट्स, तो आपके फेवरेट कैंडिडेट तो अभी बाकी है पिक्चर में। नहीं नहीं, मेरे फेवरेट कैंडिडेट सिर्फ इस मामले में है कि जो हिंदुस्तान की पोजीशन है या हिंदुस्तानियों की अमेरिका में पोजीशन है, उस पे इतनी आसानी से इंडियन का वोट जाना हैरिस के पास, वो औरत जिसने थ्रू आउट हर लाइफ अपनी इंडियननेस को छुपाया हो, वो एक दो इडली विडली की बात करके इतने वोट हासिल करे इंडियंस की, इसका मुझे ज़रा दुख था कि सब आपके जो बाइडेन हैं, वेरी क्लियरली उसने अपने आप को कहा कि मेरी कैबिनेट के अंदर, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस्लामिक लोग होंगे। नंबर टू, इनमें से किसी ने जो फ्रांस में और इधर उधर जो टेररिज्म फैलाया हुआ है मुसलमानों ने, दे कुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड। वो तो खैर हमारे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी एकदम डिसअपॉइंट किया। पहले हम इस बात को पहले डिस्कस कर रहे थे रविंद्र मेरे साथ, ये पहले ये कह रहे थे कि कोई वहां कोई ऐसी कोई मुस्लिम पॉपुलेशन थोड़ा ना कि जिसको अपीज करके कमला हैरिस जो है वापस आएगी। हाँ, ये बात अलग है कि बातें जो कमला मिशिगन में क्या जो बाइडेन ने की थी, लेकिन बाद में हवा का रुख भांप करके चेंज तो किया चीजों को उसमें। आपको लगता है कि मोर और लेस अब चीजें फर्क पड़ती हैं, डेमोक्रेट्स अलग और रिपब्लिकन अलग, फिर रविंदर काउंटर करेंगे आपको। नहीं, अलग तो जाहिर है, ऑब्वियसली बेतहाशा पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से अलग हैं, लेकिन एक शख्स जो सबूत जिसके बारे में है कि ही इज करप्ट, उसका बेटा $80,000 महीने की तनख्वाह पे अपने यूक्रेन की एक यानी माइनिंग कंपनी के साथ एसोसिएट है, चीन से पैसा ले रहा है, सारे एविडेंसेस बाहर आ गए, लैपटॉप आ गया, ईमेल्स छप गए कि बाइडेन जो है वो अपने बेटे से 10% ले रहा है बिग गाय करके। ये सारे जो प्रिंसिपल्स हमारे हैं कि सियासतदान या पॉलिटिशियन जो है उसको हम एज पीपल फ्रॉम इंडिया जज करें ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर, नॉट के अरे इससे कर लो। मैं आपको लेके जाऊं एनआरआईज के घर में, उनके रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों प्रेसिडेंट्स के साथ तस्वीरें खींची हुई मिल जाती हैं। एक डीपॉलिटिसाइज कम्युनिटी बन गई है। एक वक्त पे तो इंडियन का डायस्पोरा सारा था ही डेमोक्रेट्स के साथ, रिपब्लिक्स की तरफ तो जाते नहीं थे, चाहे वो क्लिंटन हो तो उसके बाद चलो वो ओबामा आया, है ना। एक रविंद्र एक पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं आपकी इसी बात में, जो प्रो इंडिया वाली बात थी, मैं कहता हूं मैं थोड़ा सा उस पर थोड़ा और कंसंट्रेट करता हूं, वो जिस पे आप कह रहे थे कि अपीजमेंट, आपने पहले भी इसका जिक्र किया था अपीजमेंट, देन उसके बाद मैं दो तीन पॉइंट क्विकली कहता हूं। आई अंडरस्टैंड व्हाट तारिक जी इज सेइंग, मैं काउंटर नहीं कर रहा हूं बट मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं तीन चार क्विक पॉइंट्स। एक, कमला हैरिस ये कहा जाता है, और बाय द वे मैं दोनों पार्टीज का इक्वल काम करता हूं, जैसे तारिक जी भी जानते हैं, आप सब जानते हैं, हमें कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट है अपना। देखिए, कमला हैरिस की जो बात होती है, इसने इंडियननेस छुपाई, ये 1964 में पैदा हुई थी, उस समय अमेरिका में कितने इंडियंस थे, 1990 तक तो अमेरिका में इंडियंस थे ही नहीं। तो जब ये बंद, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट सर, जस्ट अ मिनट, लेट मी करेक्ट दैट सर, पूरी गदर मूवमेंट कैलिफोर्निया की है। हाँ, एक मिनट ना, पूरी गदर पार्टी हमारी वहां की है। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट सर, है ना, प्लीज। तो मतलब वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, जो मुझे लगता है मे बी वो पैदा जहां हुई कैलिफोर्निया में, सारे उसके मदर वगैरह जो भी थे वो ब्लैक्स के साथ पैदा हुई, 1990 तक उसने कॉलेज वॉलेज गई, तब तक इंडियन कम्युनिटी थी नहीं ज्यादा, दैट्स वन। तो नेचुरल वो उससे आ रही है, बट एज अ पॉलिटिशियन हाँ, अब वो इंडियन कम्युनिटी को रीच आउट करेगी वन, बट दैट असाइड। सेकेंड, कि बाइडेन, लेट मी स्ट्रेटन द फैक्ट्स, लेट मी कंप्लीट ना सर,
सेकंड पॉइंट की बाइडन टेररिज्म वगैरह नॉट ऑफ अ शेम ना, मतलब ठीक है इंडियन डायस्पोरा भले छोटा था बट नेवर बीन ऑफ अ शेम ना, नहीं नेवर नो ही वाज नॉट देयर सर, मैं करेक्ट करना चाहता हूं आपकी कमरे की लॉबी नहीं थी, मैं मानता हूं लॉबी नहीं सर, मेरी बात ठीक है वो लोग सेकंड पॉइंट के पीछे फंड रेजिंग नहीं होती पर शेम तो कहीं नहीं कभी नहीं हुआ ना, शेम नहीं था ना, सेकंड पॉइंट टेररिज्म पे ओसामा बिन लादेन को किसने निकाला under Obama administration sir, when Biden was the vice president. Okay. So the point is for us to assume that Biden le, is soft on terrorism is also incorrect, I would say. America apne national interest pe kaam karega. Biden is a corrupt man. अब वो तीसरी बात आ गई ना, हाँ ठीक है वो मैं मानता हूँ, उसकी डिटेल्स आई है करप्शन की, फेयर है ना वो अलग, दैट्स फेयर, बट जो ये पॉइंट है अबाउट कमला हैरिस एंड सॉफ्ट ऑन टेररिज्म, आई काइंड ऑफ डोंट अंडरस्टैंड एग्री विद दैट, दैट्स ऑल. She did not live in US. Sorry? She lived in Canada. आपकी हैरिस जो है she lived in Canada, in Montreal. मैं उसका हिंदू टेम्पल बताऊं जब माँ बेटियां जाती थी, ये तो ग्रेजुएट होने के बाद उसको चूज करना पड़ा. ग्रेजुएट तो वॉशिंगटन डीसी से करा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, विच इज हिस्टोरिकली ब्लैक कॉलेज. सर ब्लैक कॉलेज मेरी बात, she's lived in California all her life, sir. But fair enough, sir, I mean, we are not getting into a discussion on that, but ठीक है उसका जो है पॉलिटिशियन है, हमें वो अपने इंटरेस्ट देखते हैं. दिस इज एसेंशियल. हाँ जी, आपने बॉबी जिंदल के नाम चार दफा बदले, आपने निकी हेली बन गई. हम अलग अलग चीजें कर रहे हैं. बॉबी जिंदल के कैंपेन में मैंने फंड रेजिंग करी है बाय द वे 2004 में 5 में राइट, तो ठीक है वो नहीं करता. ओके हाँ जी, मेरी बात तो सुन ले सर. हाँ जी सर, आपके कौन से कम्युनिटी के लोग हैं जो नाम बदलते रहते हैं सिर्फ इधर या उधर करने को, कोई प्रिंसिपल ही नहीं है जिसके, यानी ये हो गया है जिसकी जो इच्छा करे. नहीं अब मैं इसमें दूसरी चीज लेकर के आता हूं, अब दूसरी चीज में ये है सुरेंद्र कॉल एंड आरती टिक्कू, अब दूसरी चीज ये है कि पर्सनल, मैं ये कहता हूं कि पर्सनल नाम चेंज किया, पर्सनल आइडेंटिटी क्राइसिस आइडेंटिटी छिपाई, या मॉन्टेरल से लेकर के आप हार्वर्ड तक पढ़े या नहीं पढ़े, वो पर्सनल पर्सनैलिटी जो है वो क्या डेमोक्रेट्स पे हावी थोड़ा ना हो जाएगी? डेमोक्रेट्स का तो एक अपना एक आइडियोलॉजी एंड जैसे कहते हैं वे ऑफ डीलिंग विद द कस्टमर रहता है ना. सुरेंद्र कॉल, या देखिए सबसे पहले जो अभी रोजान मिल रहे हैं उसमें उसके हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. हाँ एग्जैक्टली, एंड बाय द वे 131108, मैं आपने बोला तो मैं एक बार दर्शकों के लिए अपडेट कर दूं, 131108 यानी कि 131 जो बाइडेन और 108 डोनाल्ड ट्रंप इलेक्टोरल वोट्स. टेक्सास डोनाल्ड ट्रंप लीडिंग 51.2 मार्जिन से, पेंसिल्वेनिया डोनाल्ड ट्रंप लीडिंग, ओहायो डोनाल्ड ट्रंप लीडिंग यानी रिपब्लिकन लीडिंग, मिशिगन डोनाल्ड ट्रंप लीडिंग विद अ गुड मार्जिन, विस्कॉन्सिन डोनाल्ड ट्रंप लीडिंग, और इन राज्यों को अगर इकट्ठा कर लेते हैं फिर तो डोनाल्ड ट्रंप इस लिहाज से तो बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ेगा अगर ये स्टेट्स वो कैरी आउट करके अपने खाते में डाल लेते हैं. सुरेंद्र, जरूर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पिछले सर्वेस हो रहे थे जो आ रहे थे उसमें तो बिल्कुल एक तरफा बाइडन को दिखा रहे थे कि दैट वो बहुत ही एक्सट्रीमली बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मगर उसको ध्यान में रखते हुए जो सर्वे अभी तक के हुए हैं उसको नकारते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं क्योंकि जो यूएस के इलेक्शंस होते हैं उसका डिसीजन निर्भर करता है कि बैटल ग्राउंड स्टेट्स में कैसा प्रदर्शन है. जो रेड स्टेट्स हैं वो तो रेड हैं, जो सेफ स्टेट्स हैं ब्लू स्टेट्स हैं वो ब्लू हैं, मगर जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं उसमें जो प्रदर्शन अच्छा करेगा वो विक्ट्री उसकी होगी. और अभी तक का जो रुझान है उसमें जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. एक तो ये रही बात. दूसरी चीज जो देखिए जो इंडियन डायस्पोरा था वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक की तरफ वो खींचा जा रहा था. लगभग 80% जो इंडियन डायस्पोरा है वो ट्रेडिशनली डेमोक्रेट होते थे, परंतु पिछले एक साल से जो घटनाक्रम हुई, जो इंडिया में डिसीजंस हुए उसके पश्चात जो एक ग्लोबल लेवल पे और यूएस में जो अलाइनमेंट्स हुई वो काफी एंटी इंडिया फोर्सेस सामने आके एक कोलैबोरेशन कर रहे थे बाइडेन के साथ, और उसको नकारते हुए एक बहुत ही बड़ी संख्या जो इंडियन डायस्पोरा के वोटर्स हैं वो रिपब्लिकन की तरफ ड्रिफ्ट हुए और उसका एक अच्छा परिणाम सामने आएगा. आरती टिक्कू, मेरे को एक पाकिस्तानी नहीं जानता जो ये कहता हूं कि हार्डकोर अगेंस्ट ट्रंप, एक कोई अब जिसे कहते हैं कि माइनॉरिटी वोटर वहां का अगर मैं मुस्लिम ही कहूं कि हार्डकोर अगेंस्ट ट्रंप,
एंड एब्सोल्युटली विद जो बाइडन। अब अगर मैं यहां की भी बात करूं, अगर कहते हैं राइट विंग गवर्नमेंट है, जो बाकी जो जिसे कहते हैं कुछ फोर्सेस जिनको ये लगता है कि नहीं अभी ठीक नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक बाकी चीजों पर सवाल उठाओ, दे वर अलाइंग विद जो बाइडन, ये बात भी सामने आई थी, इंक्लूडिंग चाइना टू। देखिए बिल्कुल इंडियन डायस्पोरा, इनफैक्ट जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो रैली हुई थी टेक्सास में, उससे समझ आया था। इनफैक्ट जो उस वक्त की कमेंट्री चल रही थी, जो लोग सामने आए थे, उससे समझ आ गया था, कहीं ना कहीं हमको ये इंडिकेशन हो गई थी कि इस बार जो है इंडियन डायस्पोरा में एक वोट स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडिशनली बेशक वो डेमोक्रेट रहे हो, लेकिन मैं ये कहूंगी कि इंडियन अमेरिकन सिर्फ अपने आप के लिए या अपने इंडियन रूट्स की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं है, या वोट स्प्लिट इसलिए नहीं हुआ है कि वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को या इंडियन इंटरेस्ट को या जो उनका रिलेशनशिप इंडियन आइडेंटिटी के साथ है, अपने रूट्स के साथ है, उसकी वजह से नहीं है। आप ट्रम्प को का ओवरऑल जो इन्फ्लुएंस कम्युनिटीज पे है, इसके बावजूद कि ब्लैक लाइव्स मैटर का मूवमेंट चला, इसके बावजूद कि एंटीफा वायलेंस हुई, इसके बावजूद कि पूरा डेमोक्रेट्स ने उनको एक प्रोजेक्शन किया कि वो मॉन्स्टर है, वो रेसिस्ट है, वो सेक्सिस्ट है, उसके बावजूद जो ट्रम्प के रिलेशनशिप विद कम्युनिटीज है, मैं कहूंगी कि वो थोड़े हटकर है। पहली बार ये हुआ कि यूएस का जो प्रेसिडेंट है इतनी बड़ी लेवल पे इंडियन डायस्पोरा के साथ और उनके ही रूट्स के साथ कनेक्ट हुए टेक्सास में जो रैली हुई, तो ये पहले नहीं हुआ। ये एक अनप्रेसिडेंटेड उस तरह से ऑप्टिक्स चला, अनप्रेसिडेंटेड एक बॉन्डिंग हुई। दूसरी बात ये कि इंडियन अमेरिकन्स जो है वो सिर्फ अपने आप के लिए या इंडिया के लिए वोट स्प्लिट नहीं करेंगे, उनको लार्जर जो पिक्चर दिख रही है अमेरिका में आज की डेट में, वो ये दिख रही है कि अमेरिकन जो आम आदमी है, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को पिछले इलेक्शंस में पावर में लाए, वो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ कई चीजों के की वजह से है। एक तो उसमें यह है कि अमेरिका का जो डिक्लाइन हुआ है पिछले 30 साल में वीजा वी चाइना के, उसकी वजह से जो एक अपसर्ज हुआ है अमेरिकन नेशनलिज्म का, उसकी वजह से जो एक आम अमेरिकन में जो एक सेंटिमेंट पैदा हुआ है कि नहीं, अमेरिका की सुप्रीमेसी को बचाना है, अमेरिका जो वर्ल्ड लीडर है उसकी वो जो लीडरशिप है उसको बचाना है, उसको बैक करने की का जो सबसे मैं बोलूंगी जो आम अमेरिकन है, यही रीजन है। तीसरी बात ये कि इस्लामिक टेरर एक बहुत बड़ा इशू है, वो डेमोक्रेट्स ऑब्वियसली जो उनका अपीजमेंट पॉलिटिक्स रहा है उसको वो एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट पिछले जब से ट्रम्प पावर में आए, वो पिछले 4 साल में और भी लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट नेक्सस में और भी डूब गए। कमला हैरिस और जो बाइडेन है, इल्हान उमर और लिंडा सोरसोर के जैसे जो कैरेक्टर्स हैं, वो लोग पूरा एंट्रेंच हो गए हैं डेमोक्रेट पार्टी में। उनका इन्फ्लुएंस डेमोक्रेट पार्टी पर इतना है कि कमला हैरिस और जो बाइडेन को कश्मीर पे स्टेटमेंट देना पड़ा, जबकि कोई भी ऐसी स्थिति आज तक नहीं हुई है। इंटरनल मैटर उस तक को अमेरिका के आगे बैठ करके डिस्कस करना और अमेरिका को जाकर के एक तरीके से यूं कहीं के अपने मैनिफेस्टो में डालना, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप वोकल हो रहे हैं और फिर उससे पलट भी रहे हैं। आलोक मेहता, हमने इन स्टेटमेंट को बदलते हुए देखा है, मौके की नजाकत की हम बात कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रम्प की शुरुआत में इमेज डैमेज होना, लेकिन उनका टू द पॉइंट रहना और एक इंटरनेशनल फोरम पर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बात कहना हो, फिर चाहे सीधे तौर पर कश्मीर मुद्दे पर बोलना हो और चीन को लेकर होना हो, लेकिन बाइडेन ने बार बार अपने स्टेटमेंट बदले, उनकी डिबेट्स आप देखिए, उससे पहले जो उनका स्टैंड था वो जैसे प्रो चाइना रहा, तो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान है क्या वहां के लोगों के लिए भी, क्योंकि आरती ने जैसे बताया कि अब जो वहां के इंडियंस हैं उनका भी माइंडसेट अलग है वोट करने के लिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बाइडेन जो है वो भी अपने बयान बदलते हैं
और ट्रंप साहब भी कई बार बदले हैं, आपने देखा कभी वो कुछ भारत के बारे में भी टिप्पणी कर देते, ये ठीक है चीन को लेकर के उनका एक स्टैंड है, लेकिन देखिए भारत के साथ भी जब भी कोई समझौते की बात होती है तो वो उनको रहता है कि हमारा पलड़ा हमारा बिजनेस भारी रहे। ट्रंप इज ए बिजनेसमैन, यूनाइटेड नेशंस में भी पर्यावरण को लेकर के समझौता हुआ, ईरान को लेकर के समझौता हुआ, उसने सबको नहीं माना, तो इसलिए उन पर भरोसा आप किसी भी विशेषज्ञ से पूछेंगे, हमारे एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो तो वहां रह चुके हैं अमेरिका में, इस तरह के पहले राष्ट्रपति हैं जो इतना ज्यादा बदलते हैं, तो इसलिए लेकिन और भारतीय क्यों इनका साथ दे रहे हैं ये मैं कारण बताना चाहता हूं। देखिए खाली भारत का जो डेमोक्रेट का साथ देने की स्थिति आती है उसकी वजह क्या है या ट्रंप का साथ क्यों पसंद करते रहे, उसकी वजह यह है कि इकोनॉमी में कौन प्रभावित है। देखिए अभी आपने जो कहा वहां हमारे जो एक और साथ कह रहे थे इस पैनलिस्ट, वो ये कह रहे थे कि भाई ये बार बार कभी इसके साथ भी हो जाते उसके साथ। देखिए जो बिजनेस करने के लिए गया है, जो काम करने के लिए गया है और या जिसने अपना वहां बिजनेस स्थापित कर लिया है, वो ये देखता है कि भाई ठीक है हमारे लिए कौन ज्यादा मुनाफा यहां देता है। तो ट्रंप की कई पॉलिसीज ने उनको प्रोटेक्ट किया जो ज्यादा जिसको कहते हैं आमदनी करते हैं, उनको क्या टैक्स में रिबेट हो सकता है, क्या सुविधाएं हो सकती है, क्या लाभ हो सकता है। देखिए जो दूसरे मान लीजिए पति पत्नी काम कर रहे हैं तो उन्होंने कहा इंडियन भी है तो उसको बाहर चला जाए, मतलब यदि उसका इतना वीजा को जो मामला आता है तो उन्होंने जो कई सालों से काम कर रहे हैं लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा पत्नी को अधिकार नहीं है वो वापस चला जाए, तो ये जो एक कई कड़े कानून भी उनके हैं और इसलिए भारतीय अपने हित को देखते हैं नंबर वन। दूसरा ये सही, देखिए चीन के साथ आप यदि 5 साल का उठा करके 4 साल का देखें, शुरू के वर्षों में चीन के साथ भी व्यापार कोई कम नहीं हुआ, और इससे पहले चूंकि हम लोग ब्रेक से पहले जो कुछ बात कर रहे थे, चीन के साथ इन्वेस्टमेंट में अमेरिका में आज भी चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, हम गलत फहमी में न रहे, हम कहते हैं हम तो इसीलिए, देखिए अभी उसने कहा था सब कंपनियां इधर आ जाएंगी उधर आ जाएंगी, अभी उतनी कंपनियां वहां से नहीं आई है, हाँ भारत के लिए गुंजाइश है चीन से जो कंपनियां निकल रही हैं, चूंकि वहां तो एक तानाशाही की ज्यादा स्थिति आ गई और भारत के खिलाफ, लेकिन भारत अमेरिका ट्रंप ने वो चालाकी की है, ट्रंप एक मिनट मैं पूरी बात कर लूं, मैं पूरी बात कर लूं ट्रंप साहब ने क्या किया भारत चीन से लड़े वो कितनी दूरी पर है, रशिया के साथ भी हम संबंध अच्छे इसलिए रखना चाहते हैं, वो तो रशिया को गाली देते हैं, वो कहते हैं रशिया ही चुनाव को प्रभावित करता है, हमारी राजनीति को प्रभावित करता है, लेकिन रशिया से हमें हथियार उससे भी जरूरत होती है, अमेरिका से भी होती है, इसराइल से भी होती है, ईरान से तेल भी हमको चाहिए, तो वो तो ट्रंप ने हमारे तेल वहां से कहा कि नहीं आपको मानना पड़ेगा, ट्रंप ईरान से मत लीजिए। ये जो तानाशाही है ये किसी भी देश की भारत अब नहीं मानेगा, मेरा ये कहना है, हम उनके इलेक्शन से हम ये नहीं होते कि साहब वो चीन को गाली दे रहा है तो वो चीन से दूर बैठा है, लड़ने के लिए हमसे कहता है कि हम लड़े, उसका हथियार खरीदे और उसके बाद लड़े, हम क्यों, हम लड़ना हम चाहते हैं कि भारत अपनी सुरक्षा का जरूर इंतजाम करेगा लेकिन ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे कहने से हम लड़ेंगे, हम भी बातचीत कर रहे हैं, अगले दौर की फिर बातचीत होने वाली है, इसलिए उसके कहने से ट्रंप के चीन पर बोलने से कल वो चीन के फिर साथ में दे लेगा बिजनेस करने के लिए, ये मत कहिए कि वो धंधा नहीं, वो धंधा करते हैं और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट आएगा धंधा करेगा। चाइनीज वायरस से शुरुआत की थी ट्रंप ने, बीच में चाइनीज वायरस का नाम लेना छोड़ दिया, फिर वुहान वायरस बोलने लगे, फिर उसके बाद चीन से दोस्ती हो गई कि वी एंड चाइना विल टुगेदर जिसे कहते हैं मिलकर के वैक्सीन निकालेंगे, फिर ऐसी अब देखिए लॉकिंग हॉन्ग्स आ गए कि वो चीन से युद्ध करने को तैयार है, भारत को कहते हैं कि तुम आगे जाके युद्ध करो। तो ऐसे में मोहन वांचू ठीक है अपनी पर्सनैलिटी अलग है पर डेमोक्रेट्स ट्रेडिशनली क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं सूट करते रहे हैं तो हमारे जिसे कहते हैं डीएनए का एक हिस्सा रहे हैं, या फिर अब इंडिया ट्रंप डिक्टेट कर रहा है तो उसमें इंडिया विल सेट द पॉलिसी, चाहे डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन्स हो। मोहन वांचू जी, ऐसा है कि चाहे डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो तो यूएसए को अपना जो निजी इंटरेस्ट है वो तो हर समय देखते रहना है, ऐसे ही हिंदुस्तान को भी अपना निजी इंटरेस्ट जो है वो देखते रहना है। अब ऐसा है कि पिछले कुछ सालों में जब से ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं तब से हमारा ये हिंदुस्तान के साथ में जो नज़दीकियाँ हैं वो बहुत बढ़ गई। पहले अगर आप देखें तो पिछले 70 सालों में यूएस की जो पॉलिसीज थी वो जनरली इंडिया को फेवर नहीं करती थी, वो जनरली पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा अलाइन थी। जब से ट्रंप आए हैं
तब से उनका रुझान जो है वो हिंदुस्तान की तरफ ज्यादा हो गया है, और उसके बहुत सारे ना वो रीजंस हैं, तो उन रीजंस की वजह से ये दोस्ती काफी अब नजदीक आ गई है। और जो यहाँ पे हाउडी मोदी वाला जो इवेंट था उसमें यहाँ पे करीब बहुत ही बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी और अमेरिकन लोग आए थे, और उसके बाद में फिर जो हमारे गुजरात में जो रैली हुई थी उसमें करीब 1 लाख के करीब लोग आए थे। तो ये दिखाता है कि इन दो देशों की बहुत जो दोस्ती है बहुत एक उच्च सीमा तक पहुंच चुकी है। अब रहा सवाल कि चाइना में जो इंटरेस्ट है यूएसए का और इंडिया का, अभी दोनों में तालमेल बैठता है। चाइना ने अभी इंडिया को अटैक किया, उस समय प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहाँ से नेवल शिप्स वगैरह वो सब भेजे सो दैट वो हिंदुस्तान को दिखा सकें और चाइना को दिखा सकें कि इस जंग में हिंदुस्तान अकेला नहीं। तो ये एक शो ऑफ सपोर्ट जो था इसका बहुत अच्छा नतीजा निकला, जिससे कि वो जो जंग थी थोड़ी सी छोटी सी जंग थी मगर फिर भी वो जल्दी जल्दी खत्म हो। इसीलिए शायद इसे मोहन मानचू इसी परिपेक्ष में देखा जा रहा है कि क्या अब तक जो हमारे संबंध रहे हैं अमेरिका से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के समय पर अब आते आते जो संबंध भारत और अमेरिका के बने हैं, इसे हम कहें कि नए आयाम की शुरुआत है, और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि क्या बाइडेन उन्हें अपनी नीतियों के साथ आगे बढ़ा पाएंगे, या इसलिए ट्रंप भारत के साथ रिश्तों के लिए जरूरी है एक बार फिर से अमेरिका में, ये महत्वपूर्ण सवाल है। पैनल हमारे साथ है, बहुत सरलता से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे होता है और नतीजे जो आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, हर एक डिटेल की जानकारी इस बड़ी कवरेज में। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।